लगातार जारी है। देश में 24 घंटे में 28,701 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। देश भर में 24 घंटे में 500 संक्रमितों की मौत हुई है, तो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 8,78,254 हो गई है। वहीं देश में अब तक कोरोना से 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,53,471 कोरोना के संक्रमित ठीक भी हुए हैं। देश भर में 3,01,609 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 28,701 केस दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 500 संक्रमितों की मौत हुई और संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 8,78,254 हो गई है। 23,174 लोगों की कोरोना की वजह से देश भर में मौत हुई है। वहीं 5,53,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हुए हैं। तो अब तक 3,01,609 कोरोना के एक्टिव केसेस देश भर में हैं। तो आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 500 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो आपको बता दें कि 23,174 लोगों की अब तक देश भर में कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 5,53,471 मरीज ठीक भी हुए हैं। कहीं ना कहीं रिकवरी दर देश भर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 500 संक्रमितों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 8,78,000 से ज्यादा हो गई है। लगभग 9,00,000 तक ये संख्या पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि देश भर में 3,01,609 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से फैला है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 28,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 500 मौतें भी बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। एक अच्छी बात यह रही है कि बीते 24 घंटे में 18,800 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 5,53,000 के पार जा चुका है। देश में इस वक्त 3,00,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज हैं। वहीं देश भर में 23,000 से ज्यादा मौतें जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण का फैलाव जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में होता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो यही दर्शा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2,900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समझमानी, भारत समाचार, दिल्ली।